तो कैसे हैं आप लोग गाइस। आज की वीडियो का टॉपिक है टू ब्रांड न्यू कंपेनियंस जिसका नाम है कॉन्ग एंड गॉडजिला। तो इन कंपेनियंस के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे कि उनके इमोट्स क्या होने वाले हैं, कैसे चलेंगे, क्या होगा एक्स वाई जेड। सो सबसे पहले जो चीज़ आपको दिखानी है, जैसा कि आप देख रहे होंगे आप सबके इवेंट सेक्शन में वो चीज़ शो हो रही होगी जिसमें कुछ कॉन्ग की डिटेल डाली हुई है, फ़ोटोज़ वगैरह हैं, कुछ दूसरी चीज़ें हैं लाइक इमोट्स, इमोजी टाइप कुछ, बट आई डोंट नो व्हाट इट इज़ बिकॉज़ अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन अगर आप ये इवेंट रूल्स पे क्लिक करते हो तो आपके सामने तीन लाइंस लिखी हुई आती हैं। सबसे पहली लाइन है इवेंट पीरियड, मतलब ये इवेंट की ड्यूरेशन क्या है, जो कि 6 मई से स्टार्ट हो चुका है जो कि 31 मई पर ख़त्म होगा। ये चीज़ तो हो गई क्लियर। दूसरा पॉइंट, एंटर द बडी टेरिटरीज एंड सर्च फॉर इंटरेस्टिंग मैसेजेस। आई गेस इनका कहने का मतलब ये है, जैसा आपने सेनॉक और एंजल में देखा होगा, एंजल में कुछ बिल्डिंग्स पे स्क्रैच मार्क्स हैं और गॉडजिला के फुटप्रिंट्स हैं और सेनॉक के अंदर कुछ स्कल्स हैं ह्यूज टाइप के एनिमल्स के, तो आई गेस इनका मतलब यही है। और पॉइंट नंबर 3 में आता है, फ्रॉम May 11 to May 31 लॉग इन डेली टू कलेक्ट 1 होलाबरी वाउचर 30 UC एंड यूज देम इन द कॉरेस्पॉन्डिंग इवेंट। मतलब May 11 से May 31 में आपको डेली लॉग इन करना है जिसमें आपको मिलेगा एक होलाबरी वाउचर जो कि 30 UC का होगा और उनको आप आने वाले इवेंट में यूज कर सकते हैं। ये आपको 30 UC दे रहे हैं 20 दिन के लिए, इट विल बी 600 UC जो कि एक होलाबरी वाउचर होंगे जिसके थ्रू आप अपना आने वाला कंपेनियन कॉन्ग या गॉडजिला जो आपको अच्छा लगे आप उसको अनलॉक कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं हमारी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो कि है हमारी ब्रांड न्यू लॉबी। मुझे तो लॉबी पसंद आई। लॉबी में आप क्लियरली देख सकते हैं कि कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला को डिफाइन किया है, बेसिकली दोनों शिप के ऊपर लड़ रहे हैं। तो ये रहा आपके कॉन्ग का फर्स्ट लुक जो कि कुछ ऐसा है, ब्राउन कलर दिया, आई डोंट नो व्हाई देना ब्लैक चाहिए था। वेल दिस इज योर कॉन्ग और ये रहा इस कॉन्ग के सारे इमोट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं स्टैंड रिमोट है, डिफॉल्ट कंपेनियन रिमोट ओके सीधा खड़ा है गुस्से में। सो मूविंग टू द नेक्स्ट रिमोट, इट्स कॉल्ड वॉक। सो जब आप चलेंगे गेम के अंदर तो ये आपके साथ साथ चलेगा, उसके बाद है वहाँ पर रन, यानी कि आप जैसे स्प्रिंट करेंगे तो ये आपके साथ साथ भागेगा और वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा कि किस तरह का लुक आएगा। गाइस जंप का भी रेंडर्ड नहीं हुआ है सो इट्स डिफ़िकल्ट टू सी कि कैसा आएगा। स्विम का भी नहीं शो हो रहा, हाउल का शो हो रहा है, जी बिल्कुल हाउल का शो हो रहा है जो कि एक कुछ ऐसा है। स्विम शो नहीं हो रहा, वो मैं आपको दिखाता हूँ गेम प्ले में कि कैसा स्विम करेगा। और हाउल बेसिकली इट्स ही स्क्रीमिंग, ही इज एंग्री, बीट चेस्ट के नाम से है जिसमें कॉन्ग अपना चेस्ट पीटता है, बीट इज चेस्ट, he's beating his chest which is a good sign of a Kong but I am very dishappy with the color of Kong, it should be black. Okay, play with toys, okay toys se play kar raha, I don't know kya hai, rendered nahi hai or what else but it's kind of good emote, I love it. So last emote hai hamara जिसका नाम है कंपेनियन इमोट व्हेन बोर्ड, मतलब आई गेस ये उन कैंपर्स के लिए जो बस खड़े रहते हैं और कुछ करते नहीं है, तो आपका कंपेनियन भी आपसे बोर रहता है कि भाई कुछ कर ले, कुछ मार ले या मर जा। सो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने कंपेनियन नंबर 2 जो कि है गॉडजिला। ये है गॉडजिला का इमोट, तुम पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ओके नाउ ही इज ट्राइंग टू थ्रो लाइट फ्रॉम हिज फेस। ओके तो इमोट चेक कर लेते हैं, सबसे पहला इमोट स्टैंड जो कि स्टैंडिंग स्टिल है, बट इसके अंदर ये जो शाइनी चीज़ आ रही है इसके बैक पे, इट इज़ टू गुड, आई लाइक इट। तो ये बेबी गॉडजिला, अच्छा ये वॉक आ गई, आप वॉक करेंगे तो साथ साथ वॉक करेगा, इसी तरह ये रन भी करेगा, स्प्रिंट करोगे आपके साथ स्प्रिंट करेगा। जंप का जो रेंडर्ड समझ में नहीं आ रहा, आई गेस ऐसा होगा कि जैसे आप जंप करेंगे तो ये आपके बैकपैक या टांग पे चिपक जाए, बाकी स्विमिंग आपके साथ साथ करेगा ये जैसे आप पानी में स्विम करेंगे। फिर ये है जी गॉडजिला का हाउल जिसमें ये अपने मुंह से आई गेस लेज़र निकालने की कोशिश कर रहा है, निकल रही या नहीं ये तो देखनी पड़ेगी। ओके जी ये है शो ऑफ फिन्स कंपेनियन रिमोट व्हेन यू डिफीट एन एनिमी, सो जब आप एक कोई एनिमी डिफीट करोगे सो वो कुछ ऐसा इमोट करेगा।
ओके जी, दिस इज़ अ रोलिंग रिमोट जो कि कंपेनियन रिमोट वेंट बोर्ड। ओके गाइस, जब आप कैंपिंग करेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो आपका गॉडज़िला कुछ ऐसा रिमोट करेगा जो कि काफ़ी अच्छा है, ख़ास करके कैंपर्स के लिए। ओके जी, एक है फिर ये चेस टेल, द लाइवली बरी गॉडज़िला इज ऑलवेज क्यूरियस अबाउट दिस थिंग दैट फॉलो इट्स एवरीवेयर। सो गॉडज़िला को अपनी धूम परेशान करती है कि वो हर जगह उसका पीछा करते हैं पहुंच जाती है। सो मूविंग नेक्स्ट इमोट, जिसका नाम है मिनी एटॉमिक ब्रीथ कंपेनियन इमोट व्हेन यू आर शूटिंग, तो जब आप गोली चलाएंगे तो वो कुछ ऐसा करेगा। फिर एक इमोट है हमारे पास ब्रीथ इन टू द स्काई कंपेनियन इमोट व्हेन यू विन। ओके, जब आप गेम विन करोगे तो उसका एक इमोट अलग है। फिर एटॉमिक फेलियर, बरी गॉडज़िला हैज़न्ट मास्टर्ड दिस येट एंड मेक्स सम मिस्टेक्स ओकेजनली। ओके, सो बेबी गॉडज़िला ट्राई कर रहा है मुझसे लेजर बीम निकालने की, लेकिन बेबी गॉडज़िला सो यू कैन नॉट। सो ये आपका लुक आएगा, आपके साथ लॉबी में खड़ा होगा जैसे कॉन्ग, वैसे ही गॉडज़िला भी खड़ा होगा। सो गाइस, थोड़ा सा गेम प्ले चेक कर लेते हैं कि कॉन्ग एंड गॉडज़िला के कंपेनियंस आपके साथ गेम में कैसे शो होंगे, वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। हियर इज़ द गेम प्ले। ये है आपका बड़ी कॉन्ग जो कि आपको फॉलो करता हुआ आपके पीछे पीछे चल रहा है, इज डूइंग इज मोर। ओके, तो आप जैसे ही रन करना शुरू करेंगे भागता हुआ आपके साथ साथ आएगा। इसके अलावा स्विम चेक कर लेते। तो गाइस, इस तरह आपका कॉन्ग आपको जब आप स्विमिंग करेंगे तो इस तरह आपको फॉलो करता हुआ आएगा। और इसी तरह गॉडज़िला का भी गेम प्ले चेक कर लेते हैं। जब आप प्लेन से लैंड करेंगे तो आपके ये दोनों कंपेनियंस बैकपैक पे आपके बैठ जाएंगे या आपकी बैग पे बैठ के आएंगे नीचे, और गॉडज़िला भी इसी तरह आपके पीछे पीछे हर जगह जहाँ आप जाएंगे। और ये रही गॉडज़िला की स्विमिंग। सो भाई लोग, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर योर सपोर्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय।